सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इंट्राडे गाइड को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। स्वागत है आपका इंट्राडे गाइड पे, मैं हूं आपका दोस्त शिवांश बसी। तो आज हम बात करेंगे कि कल है निफ्टी, बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी 28 जून को, तो हमें क्या करना चाहिए। जिस तरीके से हमने देखा था कि आज जो मार्केट में आंधी आई थी और वो मार्केट को या निफ्टी को 100 पॉइंट तक नीचे लेकर चली गई थी, तो ये तो अभी सिर्फ एक छोटी सी आंधी थी, तूफान आना भी बाकी है। तो चार्ट्स में जब मैंने रीड करा तो मैंने देखा कि क्या ऐसी चीज़ आ गई है जिससे मुझे लग रहा है कि इस अगले दिन या इस अगले जो एक्सपायरी होने वाली है जुलाई की, क्या तूफान आने वाला है। मैं पहले से ही लोगों को अदा कर दूं और लोगों को बता दूं कि वो शुरुआत में ही जून जुलाई की एक्सपायरी की ऑप्शन स्ट्रैटेजी यूज करके अच्छा खासा पैसा कमा सके, और कल क्या रणनीति होनी चाहिए वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर। तो ज़रूर देखिएगा इसको। बढ़ते हैं चार्ट्स की तरफ। मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग की कोर्स की एक कोर्स लेकर आने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको पूरी ट्रेनिंग दूंगा स्टॉक मार्केट के बारे में, वो भी यूट्यूब में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना होगा, वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। और उसके होगा ये कि आपको सारे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब मेरी वीडियो अपलोड होगी, और आप सबसे पहले देख सकते हैं उसे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कुछ पैटर्न्स, मैं आपको इसमें पहले से ही बता देता हूँ कि जब भी हम एक पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स का एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले हम पैटर्न्स देखते हैं, फिर ट्रेंड लाइंस बनाते हैं, उसके बाद हम इंडिकेटर्स में बढ़ते हैं और कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस है। तो कुछ निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, और आप जब तक मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हो रही तब तक आप उन पैटर्न्स की स्टडी कर सकते हैं पर्टिकुलर शेयर या स्टॉक में, और मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई आपको इमिजिएटली कर दूंगा। तो गाइस सबसे पहले हम बढ़ते हैं निफ्टी के अंदर। यहाँ पर मैंने देख सकते हैं अपने आर्ली चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। आर्ली चार्ट में मैं आपको दिखाना चाहूंगा सबसे पहला पैटर्न जो हमें बनते हुए देखने को मिल रहा है। हम एक एक छोटे छोटे पैटर्न की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं एक पैटर्न दिखाता हूँ जो ज्यादातर लोगों को पता होगा। ये देख सकते हैं यहाँ से ये ऊपर गया, नीचे आया, इसने सपोर्ट लिया 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, फिर ऊपर गया, अपने हाई को काटा और वहां से नीचे आया और अपने लो पे सपोर्ट लिया। लो पे सपोर्ट लेने के बाद इसने लो को नहीं तोड़ा, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आया, इसने अपने लो को नहीं तोड़ा। तो ये हमें सजेस्ट कर रहा है इट्स अ हायर टॉप एंड हायर बॉटम। हायर टॉप हायर बॉटम का मीन्स हमें ये कहते हैं कि अब ये मार्केट बुलिश है या पर्टिकुलर शेयर बुलिश है। पर जिस तरीके से हमने देखा कि आज इसने अपने लो को तोड़ा है, जो कि 10,720 के लेवल को इसने तोड़ा, तो वो हम कह सकते हैं कि ये एक बेरिश पैटर्न बनते हुए हमें देखने को मिल रहा है। और आर्ली चार्ट में जिस तरीके से ये सपोर्ट ले जा रहा था बार बार 200 डे मूविंग एवरेज को, और उसको भी आज इसने तोड़ के तोड़ दिया है। तो गाइज ये हो गया हाई टॉप हाई बॉटम, ये ज्यादातर लोगों को पता होगा। अब मैं आपके लिए जो पैटर्न बना रहा हूँ वो पैटर्न को आप ध्यान से देखिएगा। ये एक इसमें गिरावट आई, ये गिरावट इसे फिर ऊपर लेकर गई, ये ऊपर लेकर गई, फिर इसमें हमने एक गिरावट आते हुए देखी, फिर ये ऊपर गया, तो गाइज ये मैं आपको बता देता हूँ क्या पैटर्न बना। ये नीचे आया, ये ऊपर आया, ये नीचे आया, लो को नहीं तोड़ा, ऊपर गया, इस पॉइंट को तोड़ा और इस हाई को भी नहीं तोड़ा। इस हाई को तोड़ने के बाद ये कुछ परसेंट यहाँ पर ये जो हमारा बनेगा जिससे ये नीचे गिरा है, वो फिबोनाची के अंदर 61.8% का रिट्रेसमेंट लेवल होगा या 50% का रिट्रेसमेंट लेवल होगा। यहां से हमने लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग अपनी शुरू करी, वहां से स्टॉक नीचे आना शुरू हो गया, स्टॉक नीचे आना शुरू हो गया। मतलब ये इसने जो पैटर्न बनाया है, इस पैटर्न को हम कहते हैं गाटले पैटर्न। गाटले पैटर्न का मतलब हो गया वो अपने नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाके अपने लो को नहीं तोड़ता, और ऊपर जब वापस बढ़ता है तो अपने हाई को तोड़ता नहीं है, और 61% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल से नीचे आ जाता है। अब जो इसका नीचे का लेवल बनता है, सबसे पहला जो इसका वो होता है टारगेट, वो होता है ये लेवल, ये वाला जो लेवल होता है जो इसने हाई बनाया था वो लेवल होता है, जो कि लेवल हमें सजेस्ट कर रहे हैं 10,770 का। जो हमारा नेक्स्ट लेवल होता है वो हमारा नेक्स्ट लेवल होता है ये लेवल, जहां से उसने एक अपमूव देनी शुरू करी थी, वो हो गया टारगेट 10,560 का, और नेक्स्ट जो आता है वो 10,400 का लेवल आता है। तो गाइज ये तीन टारगेट है जो साइफर गाटले पैटर्न जो है वो कंप्लीट करता है, और ये हमें लेकर चले जाता है यहां तक।
यहाँ पर लेकर जाता है, यहाँ पर श्योरिटी मिनिमम ऐसे स्टॉक्स, मैक्सिमम ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो इस लेवल तक जाते ही जाते हैं और यहाँ पर डबल बॉटम बना के और ऊपर की तरफ जाते हैं, और जो उनका हाई होता है वो हाई को वो तोड़ देते हैं। तो गाइस अभी तक हमारा जो मतलब टारगेट अर्ली चार्ट्स में लग रहा है वो लग रहा है कि 10,400 तक ये जा सकता है स्टॉक, क्योंकि हमें एक जो पैटर्न दिख रहा है गाटले पैटर्न, वो एक बीरिश पैटर्न दिख रहा है। अब दूसरी हम बात करते हैं कि एक पैटर्न से हमें थोड़ी ना सजेस्ट होगा कि ये बीरिश है। दूसरी पैटर्न अर्ली चार्ट में इसने बनाया है डबल बॉटम, आप यहां देख सकते हैं इसने बनाया है डबल बॉटम एट अ लेवल ऑफ 10,700 पे। आज उस लेवल को इसने अर्ली चार्ट्स में तोड़ दिया है, और वो तोड़ने के बाद हम कह सकते हैं कि अगर ये कल मार्केट में इसके ऊपर निकल जाता है और वहां पर सस्टेन करता है आधा घंटा, तो शॉर्ट कवरिंग रैली की वजह से हम कह सकते हैं कि वो जो लेवल है वो उसे 10,800 के ऊपर भी लेकर जा सकती है। तो आपको देखना ही है, शुरुआत में अगर ये 10,700 के ऊपर खुलता है तो आप ये मत सोचिए कि ये बुलिश हो गया, मैं बाय कर लू बाय कर लू। आपको बाय तब करना है जब ये आधा घंटा एक घंटा उसके ऊपर रहता है, क्योंकि थोड़े देखिए ये वॉलिटिलिटी तो दिखाएगा, आपको नीचे लेवल्स में भी मिलेगा अपनी बाय पोजिशन बनाने के लिए। तो गाइज ये आपको श्योरली देखना होगा कि ये आधा घंटा एक घंटा उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो आप इसमें अपनी बाय इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको लेकर चलता हूं डेली चार्ट के अंदर। डेली चार्ट में हम आते हैं, डेली चार्ट में भी मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। वहां पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं एक साइफर पैटर्न, ये भी खुद ही डेली चार्ट के अंदर शो कर रहा है। और अगर हम इस साइफर पैटर्न को हटा देते हैं, गाटले पैटर्न आपको शो कर रहा है यहाँ पर, एक सेकेंड, या तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो पैटर्न शो कर रहा है, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, यहां से ये नीचे आया, कंसिस्टेंट इसने फॉल दिए नीचे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह वो नीचे गिरा है। नीचे गिरने के बाद उसने ये एक रेंज में गया, ये इसकी रेंज है, ये देख सकते हैं, ये इसकी रेंज बनाई है इसने। इसे कहते हैं अगर ये कंसिस्टेंट एक स्ट्रेट लाइन में नीचे जाता है और ये ऐसी मूव बनाता है, यानी कि हायर लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाता है एक फॉल देने के बाद, उसे हम कहते हैं मेजर्ड मूव। मेजर्ड मूव का मतलब ये हो गया कि वो यहां से तो नीचे गया, नीचे जाने के बाद वो ऐसा पैटर्न बनाएगा, ये ऐसा पैटर्न बनाएगा। फ्लैग होता वो बिल्कुल सीधा होता, वो उसे हम फ्लैग पैटर्न कहते हैं। ये हो गया मेजर्ड मूव जब ऐसे जाता है। तो गाइस ये इसने मेजर्ड मूव बनाया, मेजर्ड मूव का मतलब हो गया कि अगर ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे जाएगा तो हम हेवी सेलिंग देखने को मिल सकती है, बहुत तेजी से सेलिंग आएगी। क्योंकि क्यों सेलिंग आएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं पहले से ये बीरिश है, जो इसका इंटरमीडिएट ट्रेंड है वो बीरिश है, और आप देख सकते हैं अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता तो वो बीरिश जो लाइन वो है मूवमेंट वो कंटिन्यू रहती और हमें एक डाउनफॉल बहुत शार्पली देखने को मिलता। हमने देखा इसने हायर लेवल को तोड़ा, वहां से ऊपर गया पर ज्यादा देर कंसिस्ट नहीं कर पाया, अपने हाई तक भी नहीं पहुंच पाया, और वहां से हमने एक डाउनफॉल आते हुए देख ली। डाउनफॉल में उसने बनाया गाटले पैटर्न, गाटले पैटर्न से हम एक फॉल देख रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं कि आज क्या मोमेंटम हुई है। तो गाइस यहां पर आप देख सकते हैं कि इसने एक लोअर टॉप लोअर बॉटम भी बना रहा है फॉर्मेशन में है। तो मैं आपको दिखा देता हूं, ये ऊपर गया, ये यहां से ऊपर जाने के बाद इसने फिर एक डाउनफॉल दिखाई, फिर ऊपर गया, फिर अब ये यहां तक आ गया। तो यहां तक आ गया है, ये इसका सपोर्ट नहीं, ये इसका सपोर्ट है। अब ये यहां से लेकर 10,900 से 10,400 के बीच में, ऐसा तो है नहीं कि ये शार्पली नीचे आएगा, इसे बीच में कोई ऐसे चीजें मिलेंगी, हर्डल्स मिलेंगी जो इसे पुश करेगी कि नहीं अब तुम ऊपर जाओ। तो वो पुश क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो पुश के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट फाइंड करना होता है, जिसके लिए हम मूविंग एवरेज और पिवट पॉइंट्स का यूज करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं ये इसका 50 डे का मूविंग एवरेज है और ये इसका पिवट पॉइंट का सपोर्ट है, जिसके नीचे आज मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, जो कि था 10,700 का लेवल था, उसके नीचे मार्केट ने आज क्लोजिंग दिया है। तो अगर 10,700 के ऊपर जाता है मार्केट और एक घंटा सस्टेन करता है, आधा घंटा सस्टेन करता है, तो शॉर्ट कवरिंग रैली की वजह से जो हम लेवल्स देखेंगे वो 10,800 प्लस तक के देख सकते हैं गाइस। और अगर इसके नीचे सस्टेन कर गया और इसके नीचे वो होल्ड करते रहा 10,700 के नीचे, तो हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है, रेजिस्टेंस बन रहा है, सपोर्ट बन रहा है नीचे की तरफ, वो हमारा बन रहा है डायरेक्ट
सेकेंड फर्स्ट सपोर्ट ऑफ पीवट टेबल्स जो कि ये है 10,441 का, और जो सपोर्ट दूसरा हमें बन रहा है वो भी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। दोनों सपोर्ट मिलके हमें बता रहे हैं कि मार्केट फिर अपने बॉटम की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी 10,440 के लेवल्स तक, और वहां से अगर एक करेक्शन आता है तो जो हमारा नेक्स्ट लेवल होगा वो हो जाएगा इलिट वेव पैटर्न कंप्लीट। गाइस इलिट वेव पैटर्न क्या होता है? वो पैटर्न होता है जो हमें पता लगा देता है पहले से ही कि मार्केट ऊपर जाने वाली है इस साल या मार्केट नीचे जाने वाली है। डेली बेसिस में, मंथली बेसिस में भी पूरा इलिट वेव पैटर्न हमें समझा देता है। तो अगर आपको उसके बारे में समझना है तो मैंने एक वीडियो पोस्ट करी है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। मैं वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन नीचे डाल दूंगा, वरना आपको यहाँ आई कार्ड होगा, यहाँ पर आपको शो करी रही होगी वो वीडियो, वहां जाके आप देख सकते हैं अगर आपको डिस्क्रिप्शन में ना मिले तो। तो गाइस ये इसका डबल बॉटम बनेगा 10,400 पे, और वहां से वो एक स्पर्ट देगा ऊपर के लेवल्स की तरफ। तो गाइस यहां तक तो इसमें जाने की कैपेसिटी है, लेकिन अगर ये कल के मार्केट में इस लेवल के नीचे यानी कि 10,780 के नीचे वो क्लोजिंग दे देता है तो। अब हम बढ़ते हैं निफ्टी की तरफ, बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में अब हम बढ़ते हैं, आली चार्ट मैंने ओपन करके रखा हुआ है। आली चार्ट में जब हम ओपन करके रखा हुआ है तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा जो कि इसका है रेजिस्टेंस। तो गाइज ये मैंने इसके लिए खोल दिया, इसका है रेजिस्टेंस ये। तो गाइज यहां पर आप देख सकते हैं ये इसने इसको टेस्ट करा, नीचे आया फिर ऊपर गया। ऊपर में हमने देखा था कि इसने ज्यादा देर मोमेंटम नहीं दिखाई, वहां से एक करेक्शन आ गया। फिर यहां पर इसने देख सकते हैं मल्टीपल सपोर्ट्स लिया इसने, तो ये इसका एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम करेगा 26,700 का काम। अब हम बढ़ते हैं कि अब इसमें डाउनसाइड है या नहीं है। सबसे पहली बात, अगर हम निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी ज्यादा वीक बिल्कुल भी नहीं है। वो वीक तभी होगा जब वो 26,100 के लेवल को ब्रीच करके नीचे जाएगा, तभी हम कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी अब बेरिश जोन में आ गया है। तो गाइज आपको मैं सबसे पहले दिखाना चाहूंगा ये है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जहां पर ये मल्टीपल बार सपोर्ट ले रहा है। एक बार सपोर्ट इसने लिया, दूसरी बार सपोर्ट लिया, ये कुछ नहीं होता क्योंकि एक बार तो नीचे जाके फिर ये इसने बाउंस बैक दे दिया। और अब देख सकते हैं आज मार्केट में इसने फिर से 20 डे मूविंग एवरेज को सपोर्ट लिया है। तो गाइज यहां पर जो है, अगर ये अपने लो को, आज के बैंक निफ्टी अपने लो को तोड़ देता है और वहां नीचे सस्टेन करता है 15-20 मिनट, तो जो हमारा लेवल होगा वो होगा 26,100 का लेवल, और वहां पर जाके वो रुकेगा। गाइज मैं कह रहा हूं वहां से वो गिरेगा नहीं, वहां जाके रुकेगा क्योंकि वहां पर एक स्ट्रांग सपोर्ट है। वहां पर गिरने, वहां से अगर वो फॉल दिखाता है तो हम कह सकते हैं जैसा निफ्टी गिरेगा वैसी बैंक निफ्टी भी गिरेगा। तो गाइज यहां पर आपको देख चुके होंगे, अब मैं आपको लेकर चलता हूं डेली चार्ट में अंदर बैंक निफ्टी के अंदर, तो वहां पर भी आपको मैं दिखा देता हूं पीवट पॉइंट्स का, जैसा कि मैंने आपको बताया था बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप देख सकते हैं ये एक पॉइंट है जहां से वो सपोर्ट ले रहा है, और ये एक पॉइंट है जो इसको रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रहा है। तो गाइज जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज अगर हमारा लो टूट जाता है बैंक निफ्टी का, जो कि लो ट्रेंड लाइन से भी हमें पता चल रहा है कि अराउंड ये है 426,354 का लेवल है, ये लेवल बना 26,380 का लेवल है। अगर वो उसको तोड़ के सस्टेन करता है तो हमारा जो टारगेट बनेगा वो टारगेट बनेगा 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि है 26,100। तो गाइज यहां तक तो मार्केट में जाने की बहुत मोमेंटम है, यहां तक मार्केट जा सकता है आराम से। तो गाइज ये मैंने आपको पूरी तरीके से समझा दिया है कि बैंक निफ्टी निफ्टी का क्या मोमेंटम रह सकता है, इलिट वेव निफ्टी के बारे में क्या सजेस्ट कर रहा है। अगर आपने अपनी पोजीशंस बनाई हुई है तो गाइज उसको जरूर देखिएगा आप, उस पोजीशन को, वो आपको सेफ कर सकती है आने वाले गिरावट से, आने वाले डर से। तो गाइज वो मेहनत से मैंने बहुत वीडियो बनाई है, उसमें इलिट वेव के बारे में आपको ऐसा समझाया है जो आपको अभी तक किसी ने नहीं समझाया होगा, वहां जाके आप जरूर देखिए। उससे निफ्टी के एनालिसिस से आप पूरा समझ जाएंगे कि निफ्टी का क्या स्ट्रक्चर बना है। तो गाइज इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसको थम्स अप जरूर दीजिएगा, मेरे लाइक बटन को दबाइएगा, और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा। बेल आइकन दबाने के लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उससे होगा ये कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जैसे मैं स्टॉक मार्केट कोर्स की ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगा YouTube के अंदर, अपने चैनल के अंदर। तो गाइज इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे कल नई वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ।